हम लोग को विदेश भेजने के चक्कर में हम लोग का 80-80 हज़ार रुपया और पासपोर्ट लेके ये अकमल पुत्र मुस्तकीम और महताब आलम पुत्र मुस्तकीम, सैफुल्ला खां पुत्र इश्तियाक और उसकी बीबी सामिया खान और एक अन्य आदमी है अब्दुल वफा खां, इन लोग का ऑफिस जो है नोएडा सेक्टर 15 में था। इनके भाई हिदातुल्ला और अकमल पहले हम लोग को सरामीर में मिले, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऑफिस है नोएडा में, सही तरीके से हम लोग विदेश भेजते हैं। हम लोग उनकी बात नहीं माने, फिर वो उन्होंने फ़ोन करके अपने घर विश्वास दिलाने के लिए बुलाया। जब घर वालों ने सही बात बताई तो हम लोग विश्वास किए, वहाँ पे वो 20-20 हज़ार रुपया नगद लिए और पासपोर्ट। दूसरे दिन हम लोग को नोएडा लेके गए, वहाँ हम ऑफिस में अल हफीज़ ट्रेवल्स के नाम से ऑफिस था, वहाँ पे महताब आलम, सैफुल्ला खां, सामिया खां और अब्दुल वफा खां ये लोग ओनर थे, वहाँ पे काम कर रहे थे। इन लोगों ने पासपोर्ट लिया, हम लोग को घर भेज दिया, बोला वीज़ा आएगा तो आप लोग आना। 10 दिन बाद इन्होंने हमें नोएडा बुलाया, मेडिकल करवाई, वहाँ पे 20-20 हज़ार रुपया नगद लिया, फिर घर बोला कि जब टिकट होगा तो 40-40 हज़ार बैंक अकाउंट में डाल देना। 3 बैंक अकाउंट दिए, जो सामिया खां के नाम से था और सैफुल्ला खां के नाम से था और एक जो है अल हफीज ट्रेवल्स के नाम से था। उन्होंने 10 दिन बाद हम लोग के व्हाट्सएप पे फर्जी टिकट 4 जुलाई और दो का बना के व्हाट्सएप पे भेजा। हम बोला कि पैसा जल्दी भेजो नहीं तो टिकट कैंसिल हो जाएगा। हम लोगों ने 40-40 हज़ार रुपया अकाउंट में डाल दिया और 7 तारीख को एयरपोर्ट पे बुलाया, बोला वहाँ पे आना, मैं पासपोर्ट और पैसा दोनों लेके पासपोर्ट और टिकट आप लोग को वहाँ दे दूँगा। हम लोग एयरपोर्ट पर इंतज़ार करते रहे, वो लोग नहीं आए। ऑफिस फ़ोन किया तो फ़ोन बंद था, ऑफिस गए वो भी बंद। हम लोग 10 दिन उसको नोएडा में ढूंढे, फिर घर वापस आए, उसके घर गए तो उनके घर वालों ने जिम्मेदारी ली कि आपका पासपोर्ट और पैसा वापस दे देंगे। 2 दिन बाद उन्होंने बुला के घर पे पासपोर्ट वापस दिया, बोला पैसा 1 महीने बाद देंगे। अभी जाते हैं तो लोग बोलते हैं यहाँ नहीं, आप दिल्ली जाओ। दिल्ली जाते हैं तो वहाँ कोई मिलता नहीं, घर पर यहाँ पर भी ये लोग कुछ बोलते ही नहीं। अभी जो है जाते हैं तो सामने औरतों को कर देते हैं, वो लोग झगड़ा करती हैं। और इन लोगों ने फिर दूसरा ऑफिस जो है A to Z के नाम से सेक्टर 64 में खोल रखे, हम लोग पता करके वहाँ गए तो वहाँ से वो लोग फरार हो गए। अभी फिर भी हम लोग उन लोग को पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। अभी ये लोग जो है गाज़ियाबाद में ऑफिस खोल रखी है, लेकिन तो जाएगा कौन, वहाँ जाएंगे वहाँ से भी भग जाएंगे। पुलिस ने हम लोगों ने दरख्वास्त दिया है, उन्होंने आश्वासन कार्रवाई करने की कोशिश कही है। अब बरदा थाना पे जाते हैं, वो लोग भी उन्हीं की तरफदारी करते हैं। हमारे पास इसका वीडियो है, किसी ने ऑनलाइन FIR किया, उसको बोलते हैं कि आप लोग कोर्ट जाओ, तो यहाँ जाओ जहाँ घटना हुआ है वहाँ जाओ। लेकिन आदमी का जो अस्थाई पता है तो उसी थाने पर तो FIR होगा, वहीं से कार्रवाई होगी, वो लोग मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं वो लोग पकड़े जाएं, हमारा पैसा मिले तो ठीक है, नहीं मिलता है तो दूसरे के साथ ना हो ऐसा घटना। जनपद आजमगढ़ की बहुत बड़ी जनसंख्या गल्फ में या मध्यपुर में रहती है, तो यहाँ के कुछ लोग इस काम को करते हैं कि यहाँ के लोगों को पासपोर्ट बनवाना, वीज़ा दिलवाना और वहाँ पर नकद काम करते दिलवाने की। मध्यपुर में कुछ शिकायतें यहाँ पर आती रहती हैं कि साहब उन्होंने हमारा पासपोर्ट रख लिया था और पैसा हमसे 1-2 लाख रुपये दे दिए, विदेश हमको नहीं भेजे। आज भी ऐसी शिकायत हमारे पास आई थी, हमने थाना कोतवाली को मार्क किया है कि पूरे मामले की तथ्यात्मक जांच करवा लें, अगर उसमें कोई ऑफेंस बनता है तो मदद से उससे कार्रवाई करें। बाकायदा फर्जी चेक, टिकट और सारी चीज़ें भी इसमें दिखाई जाती हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं और तमाम मुकदमे भी यहाँ पर दर्ज हैं इस जनपद में कबूतरबाजी के। तो अभी भी जो मामला आज भी प्रकाश में आया है उसको हमने भेजा हुआ थाने पर, उसकी विधिवत हम लोग जाँच करवा लेंगे। चूँकि मामला 420 का होता है, इंक्वायरी केस मुकदमा लिखना ठीक नहीं होता है, तो इंक्वायरी के लिए हमने भेजा हुआ CO और SHO को, तो हम इंक्वायरी हो जाएगी तो इसमें हम लोग आवश्यक विधि कार्रवाई करवाएंगे।